बैक टू माय चैनल, आई एम नपुर। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल रेमेडीज, जो आपके पिगमेंटेशंस को भी हटाएगा, डार्क स्पॉट्स को भी हटाएगा, प्लस जो आपके पिंपल्स आते हैं वो जब चले जाते हैं उसके बाद जो स्पॉट्स उसमें रह जाते हैं उनको भी हटाएगा। तो रेमेडी एक, काम अनेक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने ये राइस फ्लावर को एक कंटेनर में स्टोर करके रखा है, आप चाहें तो आप भी करके रख सकते हैं। ये आटा आपको कहीं भी मार्केट में आराम से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सीधा सिंपल सा चावल लीजिए, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ध्यान रखिएगा जार आपका सूखा हो, गीला ना हो, और फिर उसका अच्छा सा पाउडर बना लीजिएगा। तो चलिए रेमेडी को शुरू करते हैं। पहले हम बाउल लेंगे, उसमें 2 स्पून्स मैं राइस फ्लावर डालूँगी, फिर 1 स्पून हनी, थोड़ा सा गुलाब जल, फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें अगर और गुलाब जल डालना है तो और गुलाब जल डाल लें, मैं थोड़ा सा और डालूँगी। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके मेरा पेस्ट तैयार है। अब इस पेस्ट को हम अपने फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। पूरे फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद इसे 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आप इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे लगे रहने दीजिए। जब पेस्ट आपका अच्छे से सूख जाए तब आप इसको पानी से धो लीजिएगा। पानी आपको नॉर्मल या ठंडा पानी जैसा आपको अच्छा लगे आप उससे धो सकते हैं। देखिए मैं फेस अपना वॉश करके आई हूँ, उसके बाद मेरी स्किन बहुत ही ग्लोइंग लग रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे आप दूसरे तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो बाउल लीजिए, उसमें 1 स्पून राइस फ्लावर डाल दीजिए, और इसमें एलोवेरा जेल, मैं वो का एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। तो आप चाहे तो कोई सा भी एलोवेरा डाल सकते हैं, आप चाहे तो नेचुरल एलोवेरा की जो लीव्स होती हैं हर किसी के घर में मिल जाती हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर इन्हें मिक्स कर लेंगे। सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे, फेस पे अच्छे से लगा लेंगे हल्के हाथों से। पूरे फेस पे जब लग जाए तब आपको इसे स्क्रब करना है। 3 मिनट तक कम से कम इसे स्क्रब कीजिए। उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए फेस पर। जब ये ड्राई हो जाए तो आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। अगेन मैं फेस वॉश करके फिर से आई हूँ और आप देख सकते हैं मेरी स्किन। तो आप अगर देख पा रहे हो तो स्किन पे कितना ग्लो आ गया है, स्किन मेरी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी फील हो रहा है मुझे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।